सुजानपुर में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की शपथ समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें उपमंडलाधिकारी शिल्पी बेगटा द्वारा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को शपथ दिलवाई गई, जिसमें सुजानपुर शहर में अदर में लटके कई विकास कार्यों को अमली जामा पहनाने के लिए कार्य करेंगे। ये बात अध्यक्ष और उपाध्यक्ष ने एक स्वर में कही। उन्होंने कहा कि चुनाव खत्म होते ही सुजानपुर शहर के विकास हेतु हर संभव प्रयास किया जाएगा। अध्यक्ष पद बीना देवी ने बताया कि सुजानपुर शहर के चौतरफा विकास किया जाएगा, वहीं पार्क की दुर्दशा को भी सुधारा जाएगा और शहर के कई हिस्सों में फैली शहर के वार्डों में फैली गंदगी का निपटारा करने के लिए हर संभव प्रयास किया जाएगा। वहीं उपाध्यक्ष पवन कुमार ने बताया कि शहर को सुंदर बनाने के लिए और रुके हुए कार्यों को पूरा करने के लिए हर संभव प्रयास किया जाएगा, चाहे वह सुजानपुर में चौगान की साफ सफाई का ही मुद्दा क्यों ना हो, चाहे बाड़ू में लोगों की समस्याओं को लेकर कोई भी मुद्दा क्यों ना हो, उसे हल करने का प्रयास किया जाएगा। ये बात अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के अलावा वार्ड पार्षदों में एक स्वर में कही। आने वाले दिनों में नगर परिषद में कई विकास कार्य करवाए जाएंगे। सबसे पहले मैं धन्यवाद करना चाहूँगा सुजानपुर की पब्लिक का कि उन लोगों ने जितने भी हमारे पार्षद चुन के आए हुए और ये सभी साथ में मिलकर हम काम करेंगे और सुजानपुर का विकास करेंगे और किसी से कोई मतभेद रख के हम कार्य नहीं करेंगे। हमारी भरपूर कोशिश होगी कि उन कार्य को सही ढंग से करवाएंगे और सारी पब्लिक का साथ लेके ही काम करेंगे। जो भी कार्य होंगे उसको बिल्कुल सही तरीके से करेंगे। सबसे पहले मैं ये कहूँगा, पहले तो हम देखेंगे कि सुजानपुर के लिए ग्रोथ के लिए आता क्या है और इसके लिए कितना पैसा आता है, कितना कहाँ लगता है, कैसे होता है, इसके बारे में हम पूरी जानकारी लेंगे और जितना हो सके हम सभी पार्षद जितने भी हैं मिलकर सुजानपुर के इस माथे को ठीक करने की पूरी भरपूर कोशिश करेंगे और इसका सौंदर्यीकरण करेंगे। और ये है कि हर जगह जो भी गंदगी है उसको टाइम से उठाएंगे और टाइम से सफाई होती रहेगी, ये सबसे हमारा प्राथमिक कर्तव्य होगा। सुजानपुर हमारा शहर है, हम जितने भी पार्षद नौ चुने आए हैं हम सभी मिलजुल के इस शहर को डेवलपमेंट करेंगे और शहर का विकास करेंगे। हम सभी यहाँ पर जो आज जो हमारे प्रधान और उप प्रधान है जो सख्त ली है, इसका हम इनका पूरा हमीरपुर प्रशासन का सुजानपुर प्रशासन का धन्यवाद करते हैं और हम पूरे सुजानपुर के लोगों को जो हमारा परिवार है हम इतना विश्वास दिलाना चाहते हैं कि हम नौ से नौ जो पार्षद चुन के आए हुए हैं पार्टियों को भुला के हमने शहर का विकास करना है, शहर को सुजानपुर को आगे लेके जाना है हमने। और इसके लिए हम यहाँ पे जितने भी भाई बहन हम पार्षद इकट्ठे हुए हैं हम मिलजुल के काम करेंगे और शहर के लिए काम करेंगे कि आने वाले दिनों में सुजानपुर की जनता भी बोलेगी कि वाकई अगर कमेटी बनी है सुजानपुर नगर परिषद में तो अच्छे लोग इस बार चुन के आए हैं।